नमस्कार। 7 दिसंबर 2018 की शाम हो चुकी है और राजस्थान विधानसभा चुनाव की सारे प्रत्याशियों के भाग्य लिख चुकी है राजस्थान की जनता। और आज राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हम आपके लिए लेके आए हैं विशेष इलेक्शन अपडेट, जिसमें हम आपको दे रहे हैं हमारे संवाददाताओं द्वारा भेजी गई अलग अलग विधानसभाओं से, मत केंद्रों से चुनावी रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच 8 बजे से शुरू हुए, जो 5 बजे संपन्न होंगे। इस बार प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग की तरफ से ईवीएम मशीन के अलावा वीवीपैट मशीन भी लगाई गई। वहीं झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी गई। मतदान केंद्रों के बाहर मतदान शुरू होने से पहले ही मतदाताओं की कतारें देखी गई। इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर युवा मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। युवा मतदाताओं ने बताया कि उन्हें मतदान कर काफी खुशी हो रही है, क्योंकि उन्होंने पहली बार मतदान किया है और उन्हें गर्व है कि उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। चुनाव को लेकर ढाणियों में, गांव में, शहर के गली मोहल्ले में स्थित मतदान केंद्रों में मतदाताओं का उत्साह काफी उल्लेखनीय था। मतदान के लिए वोटिंग से पहले से ही मतदाताओं की कतारें दिखनी शुरू हो गई। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के आसलपुर में स्थित राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय आसलपुर में 82, 83, 84 और 85 बूथ मतदान केंद्र के बाहर भी लंबी कतारें देखी गई। इसके तहत इस बार चुनाव आयोग की ओर से दिव्यांग और निःशक्त जनों के लिए व्हीलचेयर के लिए और एक सहयोगी भी उपस्थित रहा। हालांकि बूथ नंबर 84 पर मतदान शुरू होने के कुछ देर बाद में ही वीवीपैट मशीन में कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण मतदाताओं को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। उसके बाद मौके पर पहुंचे उच्च अधिकारियों ने दूसरी मशीन लगाकर मतदान प्रक्रिया को शुरू कर दिया। वैसे इस बार झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। भाजपा से राजपाल सिंह शेखावत और कांग्रेस पार्टी से लालचंद कटारिया के अलावा भारत वाहिनी पार्टी के छोटूराम कुमावत के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। पहले हम बात करेंगे झोटवाड़ा यानी कि जयपुर के झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की, जहां हमारे संवाददाता अरुण गौड़ ने स्थानीय मतदाताओं से बात की। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 का आगाज आज हो चुका है। जी हां, लोकतंत्र का त्योहार इस तरह झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से प्रत्याशी लाइन में लगकर मतदाता दे रहे हैं। जी हां, एक वोट की कीमत सीपी जोशी के द्वारा जिस तरह सत्ता बदल ली गई थी, आज हमारे साथ कुछ मतदाता जुड़ चुके हैं। सर, वोट डालने आए हैं क्या? बस सरकार से ये चाहते हैं कि अच्छा काम होता रहे, जो विकास की प्रक्रिया चल रही है वो रुके नहीं और हम विकास को वोट करने जा रहे हैं। सर, बात अगर विकास की जाए तो बात मोदी लहर की भी थी कई बार और इस बार कांग्रेस का बजट कुछ ज्यादा आ रहा है, तो क्या चाहते हैं इस बार, किसकी सरकार बने या क्या चाहते हैं, विकास किस तरह से? हम तो यही चाहते हैं कि जो अभी चल रही है सरकार वो ठीक है विकास के लिए और हम उसी पर मतदान करेंगे। हम विकास को मतदान करते हैं, न कि किसी पार्टी को। जो अच्छा विकास कराती है उसी के साथ पब्लिक रहती है। 23 प्रत्याशी इस बार झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार चुन रहे हैं। जी हां, मोदी लहर अगर इस बार भी अगर कायम रही तो सत्ता में मोदी लहर के आने का कंस है। अगर बात अगर झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जाए तो एक तरफ लालचंद कटारिया तो दूसरी तरफ राजपाल सिंह शेखावत है। आइए दूसरे मतदाता से बात करते हैं। सर, बात अगर विकास की जाए तो किस तरह का, क्या विकास चाहते हैं आप? सर, हम लोग यही चाहते हैं कि झोटवाड़ा में संपूर्ण तरह से विकास हो, जहाँ से मतलब पूर्ण एजुकेशन के लेवल पे, मेडिकल लेवल पे और जो भी हमारी बेसिक नीड है समाज की वो संपूर्णतः पूरी होनी चाहिए। मतलब जो हमारी रोडें हैं, हमारे पानी की समस्या है, उन सभी का निराकरण होना चाहिए और हम मतलब ऐसे ही कैंडिडेट को वोट देंगे जो हमारी समस्याओं को सुनेगा और हमारी हर बात को मानेगा। और हम ये चाहते हैं कि हमारे झोटवाड़ा का विकास पूर्णतया हो, उसी प्रकार के कैंडिडेट को हम वोट देंगे। यही हमारी इच्छा है।
जी हाँ, लोकतंत्र का त्यौहार आज जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आप देख सकते हैं किस तरह से मतदाता सुबह से ही यहाँ पे लाइन में लग रहे हैं। जी हाँ, एक एक वोट इनके लिए कीमती बताया जा रहा है। अब देखना यह है आखिर सत्ता किसकी आती है। जी हाँ, लोकतंत्र के इस त्यौहार में 11 तारीख को चुनाव का फैसला किया जाएगा, किसके हाथ में सत्ता आती है। कैमरामैन अजय सिंह के साथ मैं अरुण गोड, सत्यमेव न्यूज जयपुर। मतदान दिवस को लेकर जोधपुर के बालेसर से हमारे संवाददाता मदन शर्मा ने एक विशेष कवरेज हमें भेजा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर 7 दिसंबर शुक्रवार को सुबह 8 बजे से मतदान यहां प्रारंभ हुआ और मतदान को लेकर यहां भी लोगों में काफी जोश और उत्साह देखने को मिला। यहां युवाओं के साथ बुजुर्गों और दिव्यांगों तक ने जोश और जुनून के साथ मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी अदा की। शेरगढ़ विधानसभा तहसील के उपखंड बालेसर सहित आसपास के मतदान केंद्रों में सुबह निर्धारित समय से ही युवाओं के साथ महिलाओं और बुजुर्गों की भीड़ देखने को मिली, जो शाम तक लंबी लंबी कतारें बनती हुई नजर आई। पहली बार मतदान युवाओं में जुनून और जोश के साथ देखने को मिला। अगला अपडेट हमें बांसवाड़ा से प्रतीक कलाल ने भेजा है, जहां बांसवाड़ा जिले के गढ़ी विधानसभा क्षेत्र का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वजवाना का मतदान केंद्र सबसे अधिक आकर्षक देखने को मिला। हमारे संवाददाता प्रतीक कलाल ने मतदान केंद्र के कार्मिकों से जानकारी ली कि वजवाना का यह मतदान केंद्र निर्वाचन विभाग द्वारा आदर्श मतदान घोषित किया गया है, जिसमें भाग संख्या 76 पर महिला कार्मिक तैनात हैं, जिसमें विकलांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर, आम मतदाताओं के लिए पेयजल, हेल्प डेस्क, छाया और प्रसादन की व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम इस बार किए गए हैं। वहीं एक अलग अनोखी तस्वीर देखने को मिली है, जहां कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 104 डूंगरा बड़ा में चुनाव के मतदान के दौरान ड्यूटी देते CISF का जवान दिव्यांग हेतु दी गई व्हीलचेयर पर आराम फरमाता नजर आ रहा है। विधानसभा कुशलगढ़ के बूथ सरसिया पाड़ा पर निरीक्षण में पाया गया कि करीब 1000 मतदाता कतार में खड़े हैं। पीठासीन अधिकारी से इस संबंध में जानकारी ली गई तो उनके द्वारा बताया गया कि ईवीएम मशीन काफी धीरे चल रही है। लोहावट विधानसभा क्षेत्र के दैणो गांव में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ, गांव में 70% वोटिंग हुई। इस दौरान हमारे संवाददाता दिलीप सिंह ने बताया कि गांव के लोग सुबह से ही वोट देने के लिए उत्सुक थे और वोट देने के बाद उनके चेहरे से खुशी झलक रही थी। 5 बजे के बाद भी वोटरों की भीड़ नजर आई, लेकिन इस दौरान गाँव के वरिष्ठ लोग जीत सिंह, सवाई सिंह, सरपंच अमर सिंह, दुर्जन सिंह, अनंत सिंह, श्रवण सिंह आदि मौजूद रहे।
वहीं बीकानेर से एक दिलचस्प वीडियो आया है जहां एक युवती ने पहली बार मतदान किया है। हाँ जी, पहली बार मतदान किया आपने? कैसा लगा आपको? मतदान करते समय क्या उम्मीद, क्या उम्मीद रखते हैं उम्मीदवारों से आप? मतदान का यही कि बीजेपी आए, इन्हीं 5 सालों में काफी कुछ किया है, और फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है देशनोक से, जहां बूथ नंबर 245, 246 और 247 में भारी हंगामे की खबर है। पुलिस ने यहां लाठीचार्ज भी किया है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहां पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। बाकी अपडेट हम आपको जल्द ही देते रहेंगे। और फिलहाल इलेक्शन अपडेट में इतना ही, जल्द ही हम आपके लिए लेके आएंगे इलेक्शन अपडेट का अगला भाग।